इंटरनेशनल टाइगर डे के मद्देनज़र राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन की ओर से जवाहर कला केंद्र में आयोजित जयपुर टाइगर फेस्टिवल यानी कि JTF का मंगलवार 30 जुलाई को आखिरी दिन रहा। पूर्व उप मुख्यमंत्री टोंक विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने फेस्टिवल का दौरा किया। पायलट ने प्रदर्शनी में लगी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स की फोटोज का निरीक्षण किया। बाघों की दुनिया के पहलुओं को तस्वीरों में देख पायलट रोमांचित हो उठे। उन्होंने VR और AR तकनीक के जरिए बाघों की वर्चुअल दुनिया को देखा। इस दौरान मशहूर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर एस नल्लामुथु, टाइगर मैन दौलत सिंह शक्तावर, JTF फाउंडर पैट्रन धीरेन्द्र के गोथा, JTF अध्यक्ष संजय खवार, सचिव आनंद अग्रवाल व अन्य वन्य जीव प्रेमी मौजूद रहे। 4 दिवसीय फेस्टिवल में हजारों की संख्या में आगंतुक पहुंचे और बाघों की दुनिया का दीदार किया। साथ ही सचिन पायलट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे, रेल दुर्घटनाओं और पेपर लीक जैसे मामलों पर भी मीडिया से बातचीत की। देखिए ये वीडियो। आज मैं यहाँ ये प्रदर्शन देखने आया हूँ। मेरी खुशी है कि इसमें निःशुल्क लोग एंट्री कर सकते हैं और खासकर जो नौजवान स्कूल और कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं जिनको रुचि है वाइल्ड लाइफ में, टाइगर में, क्योंकि टाइगर इस देश की शान है और बड़ी मुश्किल से हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे, तो एक्सटिंक्शन की कगार पर लोग पहुँच गए थे। तो ये एक इस प्रकार की प्रदर्शनी से लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलती है, उत्सुकता जागती है और जो यंग टैलेंट्स हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे फोटोग्राफी हो, यंग लड़के लड़कियां शहर के बिल्डिंग पर नाम बनाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने लगातार 6ठे साल ये टाइगर डे के उपलक्ष्य में इस प्रकार की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, सब लोगों को यहाँ बुलाया है। और सबसे अच्छी बात मैंने कहा ना, निःशुल्क है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। एक अच्छी एक कमेटी है जो जज करती है जेता कौन होंगे। और मैं खुद समझता हूँ कि जितना ज़्यादा आजकल बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, टेलीविज़न से फुर्सत नहीं है, तो वो नेचर में जाएंगे, अपने सराउंडिंग को समझेंगे, अपनी इकोलॉजी को समझेंगे और इस खूबसूरत जानवर को हम लोग कैसे आगे भविष्य में प्रिजर्व कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली में इंस्टीट्यूट में जो दुर्घटना हुई है, ऐसे इंस्टीट्यूट की हालत मतलब हर जगह ही हो रहा है, राजस्थान में भी ऐसा ही है, तो उसको क्या कहना चाहिए? ये जो दिल्ली में हुआ है, एक तो जो विक्टिम है नौजवान लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी गाड़ी कमाई खर्च कर मेहनत कर अपने अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे, उनके सपने, उनके परिवार के सपनों को ध्वस्त किया गया है। और सिर्फ एक व्यक्ति या दो संस्थाओं को बंद कर पकड़ने से काम नहीं चलेगा, ये संस्थागत दिक्कतें हैं। और राजस्थान के अंदर भी जहाँ जैसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहाँ पे नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। और खासकर नौजवान में इतना दुख होता है हमें पढ़ते हुए, जब बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या उनके सपने टूट जाते हैं या उनके पेपर लीक हो जाते हैं या इस प्रकार के हॉस्टल में जहाँ रह रहे हैं उनकी कोई सुविधा नहीं मिलती है। सारे नियम कानून रेगुलेशंस को ताक पर रखकर सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए जो अधिकारी, अफसर, प्रशासन, नेता जो भी हों, अगर इस प्रकार के लोगों को संरक्षण भी दे रहे हैं तो वो उस झुंड के उतनी भागीदार हैं। इसलिए इन पर तो ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए और मैं राज्य सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि इनको एक ऑडिट करना चाहिए कि कैसे व्यवस्थाओं में हमारे बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं। और उन लोगों को कम से कम बेसिक स्टैंडर्ड देने मैं समझता हूँ कंपल्सरी करना चाहिए, खासकर चाहे वो कोटा है, सीकर है, जयपुर है, जहाँ बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे पढ़ने आते हैं। तो इससे पहले इस प्रकार की और घटनाएँ हों, हम इससे सीख लेकर उचित लोगों को जो दोषी पाए जाए उनको दंडित करना चाहिए और भविष्य में इसकी परिवर्तन ना हो उसको पीटता हूँ। इस प्रकार की सोच सर देश में लगातार मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार किसी की भी हो लेकिन नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। और पिछले कुछ महीनों में, स्पेशली पिछले 12 महीने में लगातार ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पर बचाया जा सकता था, बेहतर उसमें टेक्निकल फेलियर हो रहा है या उसमें नेग्लिजेंस है या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ वीकनेसेस हैं। इस सरकार को कुछ लगता है समय रहते ही इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है रेलवेज का, उसको उसके संसाधन को, उसकी सुरक्षा को लेके प्रायोरिटी काम करना चाहिए, क्योंकि इतना बजट आवंटन होता है। अगर यात्रियों की सुविधाएं, पंक्चुअलिटी, सर्विस को बाद की बात है, लेकिन पहले उनकी जान माल की सुरक्षा बहुत अनिवार्य है। लेकिन तुरंत प्रभाव से बजाय इसके कि पैसा व्यर्थ बर्बाद करें पब्लिसिटी में, मार्केटिंग में, बेहतर ही होगा कि हम उसको इन्वेस्ट करें ताकि हमारी यात्री सुरक्षित रह सके। देखिए ये बार बार जो है ऐसे मौके ढूंढना जिसका कोई वर्तमान या भविष्य में कोई बहुत ज़्यादा महत्व ना रहे, बेहतर तो ये रहेगा कि बजाय सिंबलिज्म करने के, भाजपा की सरकार केंद्र की और प्रदेश की
हमेशा सिम्बॉलिक मार्ग ढूंढना। अब जब लोकसभा का गठन हुआ नई संसद तो उन्होंने एक प्रस्ताव देकर आए, 50-55 साल पहले इमरजेंसी कब डिक्लेयर की गई थी, उसके बाद क्या हुआ, 5 दशक निकल गए, 4 पीढ़ियाँ निकल गई, ठीक है। वर्तमान में अपनी कमियां छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें बीजेपी सरकार बार बार करती है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि नई सरकार बनी है और बनने के बाद ही लगातार जो नौजवानों के साथ हो रहा है, बच्चों के जो नीट परीक्षा में जिस प्रकार का पूरा प्रकरण सामने आया, उसको ठीक करने के बजाय सरकार अपना धन बटाना चाह रही है और अभी भी कहीं ना कहीं वो उस गलतफहमी में है और बचाव कर रही है। और ये दावे किए जा रहे हैं कि हम जो उनकी जड़ों तक पहुंचेंगे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, लेकिन लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है, नौजवानों के पूरे परिवार पीड़ित हैं, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और जब नौजवान पीढ़ी के सपने टूटने शुरू हो जाते हैं तो ये किसी भी देश के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को बजाय जुल्मेबाजी, भाषण, आश्वासन, मार्केटिंग, वादे और ये सब करने के बजाय धरातल पर ध्यान दें, महंगाई कम करें। अब 2 बजट आए हैं, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, दोनों बजटों में कहीं पर भी महंगाई कम करने की मात्र कोशिश भी हमें दिखाई नहीं दी। और जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, अब प्रदेश सरकार बोलती है कि हम 4 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लेते हैं। संकल्प का क्या मतलब होता है, आप कितनी नोटिफिकेशन इशू करेंगे, कब तक टाइमलाइन बताइए, कब तक भर्तियाँ चालू होंगी, तो बोलना अलग होता है। लेकिन सरकार केंद्र की जो जीत कर आई है, पहली बात तो ये एक खंडित जनादेश है, ये कोई भाजपा की सरकार नहीं है, ये मिलीजुली इंडिया की सरकार है। और अपने साथियों को खुश करने के लिए सर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं ये सरकार बचाओ बजट है, दोनों प्रदेशों की जो नेता हैं, चाहे वो बिहार की चांद्र प्रदेश के हैं, उनको खुश करने के लिए लाखों करोड़ रुपए आप उनको दे रहे हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है बिहार के लोगों से, आंध्र के लोगों से, लेकिन जो बाकी राज्य हैं उनका हक मार के आप किसी और राज्य को देंगे सिर्फ अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए, ये मैं गलत मानता हूँ। और राज्य सरकार का जो बजट था, जो चर्चाएं विधानसभा में हो रही हैं, कोई संतोषजनक जवाब कोई मंत्री नहीं दे पा रहे। और सरकार का जो है इतने मल्टीपल पावर सेंटर्स बन चुके हैं कि जनता समझ रही है कि 7 महीने पहले हम सरकार बनाई थी, अब उसका बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा अगर सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, उनके पूरे पर जो हत्याकांड हुआ है, क्राइम को रोक नहीं पा रहे हैं, बजरी माफिया बेफिक्र घूम रहा है, मेरे अपने जिले के अंदर एक हादसे हो चुके हैं, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर और बिजली पानी पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वो दिवस बनाए 370 के और इमरजेंसी के और पॉलिटिकल अपने विरोधियों को टारगेट करने का काम नहीं करना चाहिए।